हेलो फ्रेंड, बाइक बोर्ड साथियों, आपका हमारे स्ट न्यूज चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कंपनी के निदेशक की जमानत याचिका खारिज। दोस्तों, ये अपडेट 12/4/2019 की, जी हाँ दोस्तों, 2 दिन पहले की। नई दिल्ली बाइक बोर्ड टैक्सी चलाने के नाम पर निवेशकों को चूना लगाने वाली कंपनी बाइक बोर्ड के एक निदेशक की जमानत याचिका मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर अदालत ने खारिज कर दी गई है। इस मामले में कंपनी के दर्जन भर निदेशक जेल में बंद हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर के सहायक राजकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि गिव इन्वर्टेसिंग प्रोमोटर लिमिटेड के निदेशकों ने देश के लाखों लोगों के साथ टैक्सी चलाने के नाम पर प्रति बाइक 62,100 रुपये लिए। इन लोगों ने वादा किया था कि 12 माह में धन दुगना कर दिया जाएगा। बाइक बोर्ड घोटाले में दिल्ली एनसीआर से भी 42,000 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। दर्जन भर लोगों को किया गया है गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, 49 ठगों में से भी दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि बाद में इन लोगों को निवेशकों का पैसा वापस नहीं किया। इस मामले में देश के विभिन्न थानों में सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए हैं। थाना दादरी पुलिस स्टेशन के उक्त घोटाले की कार्रवाई करते हुए कंपनी के कार्यकर्ता संजय भाटी, आदेश भाटी, गोयल पवन, पवन भाटी, सचिन भाटी सहित दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए निदेशक संजय गोयल ने जनपद गौतम बुद्ध नगर अदालत में जमानत याचिका डाली थी, जो खारिज कर दी गई है। उच्च जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश गौतम बुद्ध नगर इंद्रजीत जोश ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दोस्तों, संजय गोयल को के खिलाफ 45 मामले दर्ज हैं। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने यह मानना है अदालत का कि एक गंभीर अपराध है और इसके दंडित गत रखते हुए आरोपी को सजा दी जाएगी और जमानत याचिका को मंजूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संजय गोयल के खिलाफ दर्ज 45 मामलों में एक साथ जमानत याचिका दाखिल की गई थी। अदालत सभी मामलों को जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है खबर। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।